अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, यह वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। कमजोर समझने की भूल मत करना, ये नारी है पल भर में दुर्गा बनकर काल बन जाती है। सो नमस्कार, मेरा नाम कशिश पांडे है, मैं कक्षा नवम सा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। महिलाएं घर व समाज का अहम हिस्सा है। आज का दिन महिलाओं के सम्मान के लिए ही समर्पित है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा जो लोग महिलाओं के प्रति छोटी सोच रखते हैं उनकी सोच को बदलने जैसे अनेक विषयों पर जोर दिया जाता है। हम महिलाएं ही आप सभी का अतीत थी, आप सभी का वर्तमान भी हम महिलाएं ही हैं और आने वाले भविष्य का उत्तरदायित्व भी हमारे ऊपर ही है। पुरातन काल में अबला तथा संतान उत्पत्ति का जरिया समझने वाली नारी आज आत्मनिर्भर हो रही है। वो जानती है कि उसका आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। वो पुरुषों की भांति कार्य कर उनके कंधे से कंधा मिला रही हैं। आज देखा जाए तो महिलाएं पुरुषों को हर क्षेत्र में टक्कर दे रही हैं, चाहे वे खेल के क्षेत्र में बबीता फोगाट, गीता फोगाट, पीवी सिंधु, पीटी उषा ही क्यों ना हो, चाहे वे व्यापारिक क्षेत्र में सुचि मुखर्जी जैसी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन्स ही क्यों ना हो, चाहे वे राजनीतिक क्षेत्र में स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज जैसी सुविख्यात महिलाएं ही क्यों ना हो जिन्होंने अपनी एक अच्छी छवि प्रकट करी, चाहे वे चांद में जाने वाले हमारे देश की बेटी कल्पना चावला या किसी भी अन्य क्षेत्र में कार्य कर रही महिला ही क्यों ना हो, महिलाएं हर क्षेत्र में सक्रिय हो रही हैं। महिलाएं आज की महिलाएं निर्भर नहीं है, वे आत्मनिर्भर है। धीरे धीरे ही सही परंतु महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार भी आया है, परंतु ये सुधार पूर्णतः नहीं है। आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें अत्याचार व शोषण का शिकार होना पड़ता है। आज भी बहुत सारी महिलाओं के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। ऐसी महिलाओं के लिए किसी कवि ने क्या खूब लिखा है कि तिरस्कृत भी नारी व सम्मानित भी नारी, तिरस्कृत भी नारी व सम्मानित भी नारी, दुर्गा भी नारी व दुर्गति भी नारी। लोगों की इस छोटी सोच की वजह से ही तो हर बार वो हारी। जो लोग महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं, क्या उन्हें ये नहीं पता कि जो महिलाएं हैं ये कुछ ऐसे कार्य भी कर सकती हैं जो केवल ये पुरुष करने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जैसे कि कल्पना चावला, सरोजनी नायडू, सावित्री बाई फूले, इन्होंने अत्यंत संघर्ष किया है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहीं देवताओं का वास होता है। फिर भी बहुत सारे लोग नारियों की इज्जत नहीं करते हैं, वे उन्हें कमजोर समझते हैं तथा अबला समझते हैं। अगर देखा जाए तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या के भांति बहुत कम है। यह दर्शाता है कि आज भी लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, उनके पैदा होते ही उनके दहेज की चिंता करने लगते हैं या तो फिर उनको माँ की कोख में ही मार देते हैं। महिलाओं की कुछ ऐसी महिलाएं जो आज भी अत्याचार सह रही हैं, उनकी स्थिति को दर्शाते हुए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। मैं नारी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं नाथ में ही गर्जन हूं, मैं माता हूं, मैं बेटी हूं, मैं बलिदानों की गाथा हूं, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूं, मैं द्रौपदी, मैं ही सीता हूं। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे एक ऐसी नीति दिखलाई, कभी जुए में हार गई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कलयुग हो या सत्युग हो इल्जाम मुझी पर आता है, मैं लड़की हूँ, कमजोर हूँ, मुझे यही समझाया जाता है। अगर आप सभी को बता दूं कि कोई भी ऐसा देश जहाँ पे नारियों की स्थिति अच्छी नहीं है वह विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि जिस देश में नारियों की स्थिति ही सही नहीं है, नारियां ही हर देश का आधार होती हैं, और अगर उनकी स्थिति ही सही नहीं होगी तो वह देश विकासशील नहीं हो पाएगा। अगर हमें किसी देश को विकसित कहना है तो हम उसे पूर्णतः विकसित तब तक नहीं कह सकते जब तक वहाँ पे महिलाओं की स्थिति में पूर्णतः सुधार नहीं आता। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, शिक्षित नारी, शिक्षित समाज, इसी से होगा देश का विकास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।